हाय गाइस, मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ अपना डे टाइम स्किन केयर रूटीन। सो पिछले कुछ वीडियोस में आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैं अपने फेस पे क्या अप्लाई कर रही हूँ जिससे मेरा फेस ग्लो कर रहा है। तो आज की वीडियो में मैं वही आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, जहाँ पर मैं आपको प्रोडक्ट वाइज मैं डिस्कस करूँगी कि मैं दिन में क्या क्या अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे। बेसिकली बहुत ही ज़्यादा सिंपल डे टाइम रूटीन है और जितने भी प्रोडक्ट्स मैं अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, बजट फ्रेंडली है। सारे के सारे प्रोडक्ट जो होते हैं वो 500 रुपीज़ के अंदर की रेंज में आते हैं। और जितने भी प्रोडक्ट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी उन सबके लिंक्स विद डिटेल्स एंड प्राइसेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, जिससे कि अगर आप लोग अपने लिए वो परचेज करना चाहते हो तो वो बहुत आसानी से परचेज कर पाओ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितने भी प्रोडक्ट हैं वो मैं पिछले एक साल से यूज़ कर रही हूँ एंड डेफिनेटली आई कैन से कि मैंने अपने फेस पे बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे हैं इन प्रोडक्ट को कंटिन्यूसली यूज़ करने के बाद में। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मेरे फेस पे कुछ चेंजेस आए हैं पिछले एक साल में, तो आप ये प्रोडक्ट अपने लिए ज़रूर यूज़ करिएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन आए। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करती हूँ टोनर के साथ में। टोनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बायोटिक एडवांस आयुर्वेदा हनी वाटर। ये एक बहुत ही अमेजिंग टोनर है, ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, स्पेसिफिकली मेरी ड्राई स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अभी क्योंकि मैंने अपना फेस वॉश किया है तो मेरा फेस बहुत इची फील हो रहा है मुझे, तो ये उस चीज़ को बैलेंस करने में बहुत अच्छे से मदद करती है। तो मैं ये ले रही हूँ अपने पाम में और इस तरीके से मैं इसको स्प्रेड करके अपने स्किन के अगेंस्ट प्रेस करूँगी। और जाऊंगी नेक तक। अच्छे से मैं इसको अपने स्किन में ब्लेंड कर लूंगी। मैं आपको प्रोडक्ट दिखा देती हूँ बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है और इसका जितना भी डिटेल्स है, प्राइस और लिंक्स वगैरह सब कुछ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दूंगी। नाउ अब मैं लगाऊंगी अपना एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो होता है वो आपके फेस को अच्छा हाइड्रेशन देता है और साथ ही साथ इनर ग्लो लाने में हेल्प करता है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ द फेस शॉप का जीजो एलोवेरा 99% फ्रेश सूदिंग जेल। ये आपका 490 रुपीज़ का 300 ml का टब आता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी है। मैं इसको पिछले 6 महीने से यूज़ कर रही हूँ और अभी भी ये सिर्फ हाफ एम्प्टी हुआ है। तो मैं इसको अपने फिंगर से लेके पूरे फेस पे स्प्रेड कर लूँगी। इस टाइम पे मेरा फेस एकदम हाइड्रेटेड फील हो रहा है बट स्टिल बिकॉज मेरी ड्राई स्किन है तो मुझे मॉइस्चराइजर की सख्त ज़रूरत है। तो मॉइस्चराइजर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी बायोटिक का एडवांस बायो कोकोनट वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग क्रीम। ये आता है 50 ग्राम और 200 ग्राम की बॉटल में, दो अलग अलग बॉटल में। इसका जो प्राइस है 50 ग्राम वाले का 199 रुपीज़ है और ये काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग फेस मॉइस्चराइजर है। लास्ट जो क्रीम है मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी वो है एक सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ VLCC का स्किन नरिशिंग सनस्क्रीन लोशन SPF 40 PPP+। सो ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटीज़ की आती है और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं था, आई थिंक ये 150 या 170 कुछ का था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं अपने जो डे टाइम स्किन केयर रूटीन को फिनिश करूँगी एक अच्छे लिप बाम के साथ में। लिप बाम के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का बेबी लिप्स इन द शेड बेरी और ये डेली यूज़ के लिए बहुत ही अमेजिंग लिप बाम। सो
सो गाइज, ये थी मेरी वीडियो अबाउट माई डे टाइम स्किन केयर रूटीन. मुझे ज़रूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और आपको कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा जो आप लोग अपने लिए परचेज करना चाहोगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलना. और अगर कोई आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट है किसी वीडियो के लिए तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं और मैं कोशिश करूँगी उस वीडियो को बनाने के लिए आप लोगों के लिए. सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.